हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़गांव मंडार हाईवे नंबर 11 पर 2017 के अतिवृष्टि के दौरान पड़े गड्ढों को लेकर अब तक वाहन चालकों सहित आमजन परेशान। बड़गांव मंडार हाईवे पर अतिवृष्टि के दौरान पड़े बड़े बड़े गड्ढों जो 2017 से लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से आमजन सहित वाहन चालक परेशान होते हैं। वहीं एम्बुलेंस जो कि मरीजों को गुजरात ले जाने के लिए ये ही एकमात्र सड़क मार्ग है, जो इस मार्ग पर गड्ढों के चलते एम्बुलेंस चालकों एवं मरीजों को परेशानी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इसकी खबर कई बार प्रकाशित होने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाते अधिकारी। आखिर कब तक जनता को इन गड्ढों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सवाल किया, इन सड़क मार्ग से कोई जनप्रतिनिधि, एमएलए, सांसद नहीं निकलते हैं, या फिर निकलते तो हैं, मगर किसी को इस सड़क मार्ग के बारे में पड़ी नहीं, या सिर्फ गंदी राजनीति करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। वहीं आपको बता देते हैं कि वर्तमान में बारिश नहीं होने के कारण किसानों द्वारा गायों के लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए ट्रैक्टरों, पिकअप, बड़े गाड़ियों में गायों के खाने के लिए हरे चारे को ले जाने में गड्ढे बन रहे परेशान का सबब। गुरुवार की रात्रि को करीबन 2 घंटों तक लगा रहा जाम। खड्डों में गाड़ी पार करने के चक्कर में 2 घंटे ट्रैफिक जाम रहा। वहीं गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ऐसे में एम्बुलेंस को निकालने में घंटों करना पड़ रहा है इंतजार। जागरूक टीवी के बड़गांव से खास रिपोर्ट।